नमस्कार, मैं निधि मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय हलचल काफ़ी तेज़ है, और वो हलचल तेज़ क्यों है ये भी हम आपको बता दें कि जहां पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, जहां 2022 विधानसभा चुनाव में गठबंधन में जिस तरह से उन्होंने एक दोस्ती करके, सांठ गांठ करके जो चुनाव लड़ा था, उसकी लगातार विभिन्न भिन्न तस्वीरें आ रही थी, लेकिन अब जो तस्वीर है वो बिल्कुल जुदा है। जी हाँ, लगातार ओपी राजभर, जो कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में एक बड़े सहयोगी के तौर पर चुनाव के दौरान सामने आए थे, लेकिन इस समय पर कुछ दिन पहले वो जिस तरह से नाखुश नजर आ रहे थे, नाराज नजर आ रहे थे, लगातार समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर लगातार कटाक्ष पे कटाक्ष और नाराजगी जाहिर कर रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे तो कभी कुछ कह रहे थे। तो इसी को संज्ञान में लेते हुए काफ़ी दिन हो गया और अखिलेश यादव ने एक बात कह दी है भाई कि देखो भैया, अगर इतनी नाराज़गी है और अगर इतनी ज़्यादा आपको समस्या है कि जो है सम्मान नहीं मिल रहा है, नाराज़गी है और नाखुश हैं अगर पार्टी से, तो आप छोड़ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको जहाँ ज़्यादा सम्मान मिलता है, जहाँ ज़्यादा आपको इज्जत मिलती है, तो वहाँ पर आप चले जाइए। ऐसे उन्होंने ऑफिशियली जो है पत्र लिखा, और वो पत्र लिखा तो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से हलचल देखने को मिल रही है, वो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। और हम भी आपको बता दें कि जिस तरह से जो हलचल है वो किस, ना कि सिर्फ विपक्ष में बल्कि पक्ष में भी जो हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि राजभर हमेशा से ही जैसे अपने बयानबाजी करते हैं उससे चर्चा में रहते हैं, और अभी ही नहीं, हम तस्वीर लगातार राजभर की पहले भी देखते आ रहे हैं कि जिस तरह से वो अपनी बयानबाजी की वजह से जो चर्चा में रहते हैं, क्योंकि अपनी ही पार्टी, जिस पार्टी से दोस्ती है उसी पार्टी के जब वो नाखुश नज़र आते हैं, पहले गुड़ गाते हैं फिर अवगुण गिनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्योंकि जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब भी ये स्थिति देखने को मिली, और जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात को पत्र के द्वारा बता दिया कि भाई जहाँ सम्मान आपको ज़्यादा मिलता है, जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ आप खुश नज़र आ रहे हैं, वो वहाँ आप चले जाइए, तो ऐसे में राजभर ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको सुनवा देते हैं। थनों को टिकट दीजिए, कश्यप को, पाल को, प्रजापति को, नाई को, गुण को, कुम्हार को, खंगार को, लोहार को, धोबी, धरकार, पासी, खटिक को दीजिए टिकट। तो उनके दिमाग में हमारी बात नहीं जमती थी, क्योंकि हम हमेशा जो आज़ादी के 75 साल से जो जातियाँ ठगी हुई हैं, वोट तो दिया लेकिन उनको हिस्सा नहीं मिला, उनके लिए लड़ते रहे, तो उनको इस बात का बुरा लगता रहा कि ये हमारे सुर में सुर मिला के बात करें, हम जो कहें वही ये बोलें। लेकिन ओम प्रकाश राजभर किसी के सुर में सुर मिला करके पार्टी नहीं बनाया है बोलने के लिए, हम जिनके लिए लड़ते हैं उनकी आवाज़ बराबर बोलते रहते हैं। आज भी मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी में आज के तारीख में जो हमने 22 का चुनाव में देखा, ना तो कश्यप को टिकट देने के लिए उनके पास है, ना तो पाल प्रजापति को हिस्सेदारी देने को है, ना राजभर को हिस्सेदारी देने की बात है। अगर मैं सीट गिनवा दूं उनका, मैं कहता रहा, लड़ता रहा, यही उनकी है, जो आज उन्होंने तलाक दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर, हम मिले योगी से किसी समस्या के लिए तो बहुत गुनाह है, और अखिलेश जी या माननीय मुलायम सिंह जी यादव मिले तो बहुत अच्छा है। तो ये वो राजभर हैं जो जब इन्होंने चुनाव लड़ा था, गठबंधन की सरकार थी, तो यही राजभर इन्हीं अखिलेश यादव इसी समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगते फिर रहे थे, और अब क्योंकि नाराज हैं तो इनको काफ़ी सारी कमियां नज़र आ रही हैं। और इन सबको बीच हम आपको बता दें कि जहां आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही जगहों पर जब उपचुनाव हुए, लोकसभा उपचुनाव हुए, क्योंकि जो अगर एक तरफ रामपुर की बात की जाए और आजमगढ़ की बात की जाए, तो सांसदी पद से इस्तीफा देने के बाद जिस तरह से सांसदी पद को लेकर जो उपचुनाव हुआ उसमें आजम वहाँ से जब जो हार का सामना करना पड़ा, वहाँ से राजभर की जो नाराज़गी है वो साफ तौर पर सभी के सामने आई। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव का भी नाम आया है, क्योंकि ना सिर्फ अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ राजभर को पत्र देकर इस बात को कहा है कि भैया आप जहां जाना है चले जाइए, शिवपाल को भी कहा है। शिवपाल कौन है, आप बखूबी जानते हैं कि अखिलेश यादव के चाचा हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी पार्टी प्रसपा को लेकर
लगातार, क्योंकि वो उनकी खुद की पार्टी है, लेकिन जो उन्होंने चुनाव लड़ा 2022 से चुनाव लड़ा, जसवंत नगर से चुनाव लड़ा, वहाँ से विधायक हैं शिवपाल यादव और साइकिल के ही चुनाव पर वो चुनाव लड़े थे और विधायक बने हैं, ऐसे में वो जिस तरह का सम्मान चाह रहे थे वो शायद वो भी पार्टी से नाखुश थे और यही एक वजह है, ये वजह जब सामने आई, क्योंकि जहाँ पर उत्तर प्रदेश में जब राष्ट्रपति उम्मीदवार पहुँच जाते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो पक्ष और विपक्ष दोनों के ही उम्मीदवार पहुँचते हैं। जहाँ एक और यशवंत सिन्हा पहुँचते हैं तो पार्टी की तरफ से राजभर को और शिवपाल को न्योता नहीं मिलता है आने का, तो वो द्रौपदी मुर्मू क्योंकि विपक्ष की उम्मीदवार थी, हालांकि अभी समय पे वो राष्ट्रपति हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं, और ऐसे में जब वो उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश में पहुंचती हैं तो वहां पर रात्रि भोज करने जब पक्ष की तरफ से किया जाता है तो वहां पर राजभर और शिवपाल यादव मौजूद रहते हैं। ऐसे में जो तस्वीर होती है बेहद जुदा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जहाँ एक और यशवंत सिन्हा को पार्टी जो है अपना उम्मीदवार बना रही है, तो वहीं पर उन्हीं की पार्टी के सहयोगी अगर दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को, मतलब एनडीए को अपना समर्थन दे रहे हैं, ऐसे में तस्वीर बेहद जुदा। यहीं से ये फूट, ये यहीं से नाराज़गी दोनों ही लोगों में सामने आती है, फिर चाहे वो राजभर हो चाहे वो शिवपाल हो, दोनों ही जो शख्स हैं लगातार अपनी बातों को, इस नाराज़गी बता रहे थे और इस बात को भी बता रहे थे कि भाई पहले जिस तरह से पार्टी काम करती थी, पहले जिस तरह से वो पार्टी अपनी अपनी योजनाओं पर काम कर रही थी, वो शायद इस तरह से नहीं है। और राजभर का भी एक अलग इसमें बात सामने आ जाती है, क्योंकि कयास काफ़ी सारे लगाए जाते हैं कि हो सकता है कि राजभर को जो वाइस सिक्योरिटी दी है वो इसलिए दी है क्योंकि उन्होंने एनडीए का समर्थन किया था, एनडीए में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था, और द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में जो जीत दर्ज हुई है उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें जो वाइस सिक्योरिटी की जो सुविधा प्रदान हुई है उसे लेकर भी राजभर खूब गदगद हैं। ऐसे में जो गठबंधन की जो टोपी पहनी हुई थी ओपी राजभर ने वो उतार देंगे, और ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भाई देखिए अब हम स्वतंत्र हैं। और इस बात को ना सिर्फ राजभर को हाईलाइट किया जा रहा है, शिवपाल ने भी अपना ट्वीट देके ये कह दिया है कि भाई देखिए स्वतंत्र तो मैं पहले भी था, अपनी चीज़ों को लेकर स्वतंत्र था, लेकिन आपने जो औपचारिक एक पत्र लिखकर जिस तरह से आपने बोला है, एक औपचारिक जो लेटर दिया है उसे लेकर आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने ट्वीट करके कहा। हालांकि कैमरे के सामने आके मीडिया से बातचीत के दौरान अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कहा है जब तक हम खबर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने ट्वीट के दौरान अपनी बात कह दी है, और ऐसे में ये तस्वीरें बेहद इस समय जो हलचल है वो पक्ष और विपक्ष दोनों में ज़रूरी हो जाती है, कि जहाँ विपक्ष से अगर जो है गठबंधन टूटता है, ऐसे में दोनों ही पर्सन जो है, दोनों ही नेता हैं, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश में एक अपनी जान पहचान, अपनी एक फिजा रखते हैं, ऐसे में वो किसकी ओर जाएंगे, जहां एक और राजभर लगातार मायावती की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी वाई सुरक्षा राजभर को दे रही है। ऐसे में स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है कि आखिर ऐसे कौन सी तस्वीरें होंगी जिसमें ओपी राजभर किस पार्टी में जाएंगे और किस तरह से वो आगे अपनी जो रणनीति है उसको तय करेंगे। उसके साथ साथ जहां शिवपाल भी काफ़ी विडंबना में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और ऐसे में अगर साथ छोड़ देते हैं तो भी मिलना भी बेहद ज़रूरी है, और भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से न्योता आ रहा है, न्योता दिया जा रहा है, कोशिश भी कर रहे हैं लगातार, पहले भी उनके चुनाव जो लोकसभा चुनाव हुए उससे पहले भी शिवपाल के भारतीय जनता पार्टी में मिलने के कयास लगातार लगाए जा रहे थे, हालांकि इस पर रोक लगी, कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अब क्योंकि औपचारिक रूप से सब कुछ सामने आ चुका है और सामने आने के बाद राजनीति में हलचल इन दोनों ही पत्र को जारी करने के बाद समाजवादी पार्टी में जिस तरह की हलचल देखने को मिल रही है वो बेहद जुदा है। अब क्या कुछ होता है, कैसी तस्वीरें होती हैं, वो सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।